सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। देश के चीफ जस्टिस एनवी रमना भारत में मौजूदा हालात को लेकर लगातार अपने विचार रखते आए हैं। अब एक बार फिर उन्होंने राजनीति में दुश्मनी को लेकर चिंता जताई है। सीजेआई ने कहा कि राजनीतिक विरोध का दुश्मनी में बदलना स्वस्थ लोकतंत्र के संकेत नहीं है। जस्टिस रमना ने कहा, विपक्ष के नेता बड़ी महत्ती भूमिका निभाते रहे हैं। सरकार और विपक्ष के बीच काफी आपसी सम्मान हुआ करता था। दुर्भाग्य से विपक्ष की गुंजाइश कम होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि कानूनों को बिना व्यापक विचार विमर्श और पड़ताल के पारित किया जा रहा है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने जयपुर में आयोजित जजों के सम्मेलन में चिंता जताई और कहा, देश के मौजूदा हालात में लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। देश में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विचार विमर्श आपसी तालमेल होता था। आजकल बिना जानकारी दिए बिल पास हो रहे, ये सब एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।